भगवान श्री कृष्ण ने जितनी बचपन में लीलाएं की ना, जितने भी हम लीलाएं उनकी सुनते हैं और जितना भागवतम में हम पढ़ते हैं उनके बारे में और जो कुछ भी हमने कहीं से भी सुना है, वो हर लीला के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो यहाँ पर इस धरती पर वो जो समय 125 साल का भगवान श्री कृष्ण का रहा है कृष्ण अवतार में, तो वो उन्होंने 125 साल में बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी हैं जीवन जीने के लिए। तो उनको कहानी के तौर पर जब हम देखते हैं, प्रसंग के तौर पर देखते हैं, तो बड़ा आनंद आता है भगवान की लीला को देखते हुए, महसूस करते हुए। लेकिन उससे भी ज्यादा परमानंद की अनुभूति करनी है, चरम सीमा पर जाना है आनंद की, तो उस लीला को, उस प्रसंग को समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें कहा क्या गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक प्रसंग आपको, सबने सुना, हम सबने सुना, तो वो मैं याद दिलवाता हूं। ऐसी हम सबको पता है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी को अपनी चितली उंगली पर उठा लिया था। 7 साल के थे उस समय और 7 दिन तक, 7 दिन रात उसको उठाए रखा, 7 को उसका गोवर्धन पर्वत। तो उसके उठाने से पहले की बात भगवान की बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंद बाबा और सब लोग जा रहे थे इंद्र देवता की पूजा करने, हवन यज्ञ करने। हवन यज्ञ इसलिए कर रहे थे क्योंकि मौसम था, फसल उगानी थी, बारिश चाहिए थी, तो इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। छोटे से थे कन्हैया, 7 साल के थे, तो ठाकुर जी ने बोला, बाबा कहाँ जा रहे हो? तो नंद बाबा बोले कि मैं बेटा इंद्र देवता की पूजा करनी। तो ठाकुर जी ने कहा, क्यों पूजा करनी? बोले हवन यज्ञ करेंगे तभी तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे। बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि ये तो उनका फर्ज है, उनका कर्तव्य है कि उनको बारिश करनी है, ये तो भगवान विष्णु ने, उन्होंने महाविष्णु ने बोला ही है, उनको इस ड्यूटी पे ही लगाया है कि उन्होंने सही समय पे बारिश करनी है, तो इसमें उनकी पूजा करने की क्या जरूरत है? उनके लिए हवन यज्ञ, उनको ये स्पेशल सब कुछ करने की क्या जरूरत है? तो नंद महाराज और सबने कहा कि नहीं कन्हैया, ऐसे मत बोलो, वो नाराज हो जाएंगे। बोले क्यों नाराज हो जाएंगे? अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटेंगे वो? यदि आपका पूजा करने का मन करता है, यदि आपको सम्मान देना है, तो गिरिराज जी को दो। यहां पर घास उगती, हमारी गैया चरती हैं, उससे दूध आता है, उसके बाद हम मथुरा जाकर के दूध लेके जाते हैं, हमारा घर परिवार चलता है उस दूध से, इन गईयों से हमारा घर परिवार चलता है, हम गवा लें। और यदि वाकई धन्यवाद करना है तो सूरज को करो, क्योंकि सूर्य ही तो सारी ऊर्जा देते हैं, तभी तो सारी प्रकृति के अंदर वो रोशनी आती है, ऊर्जा आती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो सारी प्रकृति को ऊर्जा कौन दे रहे हैं? सूर्य दे रहे हैं। यदि धन्यवाद करना है तो सूर्य का करो, लेकिन इंद्र का क्यों? तो नंद बाबा ने कहा कि बरसों से ये विधि चलती आ रही है, ये रिवाज चलता आ रहा है कि ऐसे ही उनके लिए हवन यज्ञ होता है। तो ठाकुर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि जरूरी नहीं जो बरसों से चलता आ रहा है उसको आगे हम भी चलाएं बिना ज्ञान के, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सोचिए, विचारिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद भगवान ने कहा कि, तो नंद बाबा ने इस बात पर कहा कि ठीक है, जैसा कृष्ण कहेंगे वैसा ही करेंगे। वैसा किया, आपत्ति आई, तो उसके बाद क्या हुआ? जब आपत्ति आई, विपत्ति आई, जब विपत्ति आई, पूरा गांव डूबने को था, तब भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। उससे पहले सब गांव वाले कहने लगे कि अरे ये क्या कर दिया कृष्ण, आपकी वजह से हम सब मुसीबत में आ गए। तो बलराम ने कहा कि भैया चलो वो इंद्र देवता की पूजा कर लेते हैं। तो माँ यशोदा ने कहा कि नहीं, मेरे कन्हैया ने कहा है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा, तो मेरे कन्हैया की बात मानते हैं। तब कृष्ण ने कहा कि जब मेरी वजह से ये विपत्ति आई है तो इसका हल भी मैं ही करूंगा, निश्चिंत रहिए। और गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो यकीन मानना, मैं सच कह रहा हूं, सारी चीजें आप दिमाग से हटा दीजिए, इन सारी चीजों में
बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जब आपका विश्वास डगमगाता है, आप परेशानी में होते हो, तो आपको लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करने से वैसा हो जाएगा, वैसे करने से वैसा हो जाएगा, तरह तरह के उपाय में घुसे हुए, कितने हजारों लाखों रुपया इधर से उधर बर्बाद कर रहे हो लोगों से, वो जानने के लिए कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे जीवन में सफलता कब आएगी, मैं सुकून से कब रहूंगा, इन सब चीजों पर इतना पैसा व्यर्थ कर रहे हो, इतना दिन व्यर्थ कर रहे हो, इतनी मेहनत व्यर्थ कर रहे हो। मैं आप सबको बता रहा हूं, एक बार सब कुछ त्याग के, और भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरण में आते हैं उसके संरक्षण की, उसके हर कार्य की, उसकी हर चीज की जिम्मेदारी मेरी होती है। एकमात्र एकमात्र एक ईश्वर, एक बार शरण में आ जाइए, उसके सानिध्य में आ जाइए, आप यकीन मानना जब जरूरत पड़ेगी ना, वो आपके लिए गुरु गिरिराज जी उठा लेंगे। जो बात उन्होंने द्रौपदी को कही थी ना कि कृष्णा तुम्हारी वजह से धर्म की स्थापना होगी, इसलिए तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत आएंगे, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, जब भी तुम मुझे पुकारोगी, जब भी तुम कहोगी हे कृष्ण, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास होऊंगा। तो ये बात सिर्फ द्रौपदी की नहीं है, ये बात हर उस व्यक्ति की है जो धर्म की राह पर चलता है, हर उस व्यक्ति की है जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है, हर उस व्यक्ति की है जो प्रगाढ़ विश्वास रखता है। बस ये करके देखिए, एक बार पुकारोगे ना तो ठाकुर जी वहीं होंगे, कहीं दूर नहीं होंगे। इसलिए मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूं, आपका सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की क्षमता पैदा कीजिए। जब दुख आए तो सोच लेना कि आपका ये जो दुख जीवन में आए, ये सुख का बहुत बड़ा कारण है, ये दुख ही नींव है सुख की, क्योंकि दुख बड़ी मजबूत नींव होती है, सुख की इमारत उस पर कमाल की खड़ी होती है। यदि आपने जीवन में बहुत दुख देखा है ना, और उसके बाद जब सुख आएगा जीवन में, तो वो जो सुख की इमारत होगी ना, उस नींव पर इतनी जबरदस्त मजबूत खड़ी होगी, कोई गिरा नहीं पाएगा उसे, क्योंकि आपने यदि संघर्ष किया ना, उसके बाद आपको फल मिला है, तो फल निरंतर आपके पास रहेगा, उसके अंदर स्थिरता रहेगी, सहजता रहेगी, आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, आप हर चीज की कदर करोगे, हर चीज की रिस्पेक्ट करोगे। तो इसलिए दुख का आना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि दुखी हो तो जान लो कि तुम्हारे सुख की नींव तैयार हो रही है, और एकमात्र एक बार विश्वास करके देखो, उसके बाद देखो चमत्कार ना हो तो क्या।